आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 6 टाइप के डिफरेंट गजरा हेयर स्टाइल और लुक बुक आइडिया। इसको गजरा हेयर स्टाइल करने के लिए आपको जरा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप मिडिल बन बनाओ, हाई बन बनाओ, लो बन बनाओ, साइड बन बनाओ, टोटली आपके ऊपर है। और गजरा वेडिंग पार्टी और फंक्शंस को, जो फेस्टिवल्स आते हैं उसको अटेंड करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा एक गॉर्जियस लुक भी देता है ओवरऑल। अगर आप गजरा, आप साड़ी पहने, सूट पहने, लहंगा पहने, गजरा एक हेयर स्टाइल कर लेती है तो जो लुक होता है वो ओवरऑल उभर के आता है। तो आप फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन में गजरा जरूर ट्राई करें। गजरा लगाने से जो आपके बालों की खूबसूरती है जो बढ़ जाती है, जो आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, 6 डिफरेंट टाइप की गजरा है। और ये ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा महंगा है, कुछ ओरिजिनल फूल है, कुछ डुप्लीकेट जो गजरा मार्केट में मिलती है वैसे हैं। अगर आपने मेरा मीशो हॉल नहीं देखा है तो वो ज़रूर एक बार देखें, उसमें मैंने गजरा भी ऑनलाइन परचेस किया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं उसको बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी, जो प्राइस वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी पसंद आए। फेस्टिवल में भी आप भी कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाइए डिफरेंट गजरा से। बढ़ते हैं हम लोग अपने जो गजरा लुक बुक है उसके तरफ। जो फर्स्ट लुक बुक जो गजरा है हमारा, वो है गेंदे का फूल का गजरा। आपको कुछ नहीं करना है, आप मार्केट जाओ, 10 रुपए के गेंदे की माला खरीदो। उस माले को क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालना है आपको। एक बन बनाओ, बन आपके ऊपर है, बन बना के जो गजरा की माला हो चारों तरफ अराउंड करते हुए अच्छे से उसको सेटल करके अच्छे से पिनअप कर दो, बस आपका जो गजरा है वो रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे ब्राइट ऑरेंज कलर के गेंदे के फूल का लुक बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया है। जो दूसरा गजरा लुकबुक है मैं, जो मेरा गजरा है वो है एक मोगरे का फूल का गजरा। आप भी एक बार मोगरे का फूल का गजरा जरूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक देता है। मैंने ब्राइट रेड सूट के साथ एक मोगरे का गजरा ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा लुक जो है उभर के आ रहा है। इस टाइप की भी गजरा एक बार आप ट्राई कर सकती हैं। ये सामने से दिखने में थोड़ा सा प्लास्टिकी वाला फील देता है, बट पिक्चर वगैरह में बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल लगता है। ये गजरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, ये मुझे 15 रुपये में मिला एक लोकल जो कॉस्मेटिक शॉप होता है वहाँ से। इसको मैंने अपने तीज के दिन लगाया था, जो बहुत ही अच्छा रेड के ऊपर जा रहा है। इस टाइप का गजरा भी आपके पास जरूर होना चाहिए, ये एक मल्टीपर्पस गजरा है, आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकती हैं और ये बहुत अच्छा लुक भी देता है, सूट साड़ी ये सब पे जाता है। और इसको आपको लगाने में भी ज़रा भी मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये डुप्लीकेट फूल के हैं। इसके ऊपर हुक भी बनाया होता है, जो आसानी से जो आपके बन है उस पर टक हो जाती है और बहुत ही अच्छा लुक भी देता है। उसके बाद जो 5th नंबर पे है वो है ये वाइट मैरीगोल्ड टाइप की फ्लावर। एग्जैक्ट फ्लावर का नाम मुझे नहीं पता है, मैं जो पूजा के फूल आप जो खरीदने जाओगे ना, तो इस टाइप की वाइट जो फ्लावर है आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी हर एक शॉप पे। तो आप उसको लेकर जो आपके जूड़े का साइज है उसके हिसाब से सुई में धागा पिरो के एक खुद से गजरा बना सकते हो, एक डिफरेंट टाइप का गजरा लगेगा और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक भी देता है। तो आप भी इस टाइप, आपको भी अगर मेरी तरह डिफरेंट स्टाइल का गजरा लगाने का शौक है तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लुक देता है ओवरऑल दिवाली फंक्शन के लिए। जो सबसे लास्ट और सबसे जो इजी हेयर स्टाइल है वाइट रोज़ आप एक बार जरूर ट्राई करो, सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्लासी लुक देता है। इसके लिए आपको सेम क्या करना है, आप बन बनाओ, हाई लो मीडियम जैसा आपका मन हो, और ये ना वाइट रोज़ में पिन जैसे दिए रहते हैं, इसके को टक कर देना है अपने जूड़े में और ये बस रेडी हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको बहुत अच्छा लुक भी देगी। इन 6 हेयर स्टाइल में से जो गजरा है आपको कौन सा पसंद आया आप कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जो 6 गजरा लुकबुक है आप कमेंट में बताना इसमें से आपका फेवरेट कौन है और कौन सा है जो आप खुद ट्राई करने वाली हैं।